कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिक बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद श्रीधम एंड वेलकम टू रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही काम की चीज़ें हैं रिपब्लिका ऐप। जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ढेरों सारी चीज़ें हैं, चाहे वो 67वीं बीपीएससी हो या 68वीं हो, तो ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम्स के बारे में। जो आप लोगों की एक उत्सुकता है कि पीटी का एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का जो डेट है, एग्ज़ाम का डेट जो अनाउंस हुआ है माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा, वह 20 एंड 22, ठीक है, सितंबर को। डन। क्वेश्चन है कि क्या यह एग्जाम इस डेट को हो जाएगा। दो बातें हैं संदर्भ में। अगर एक व्यक्ति माननीय चेयरमैन साहब की, अगर हम सुने उनकी बातों पर विश्वास करें, तो लगता है कि एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि एग्जाम इसी डेट को लिया जाएगा। डन। लेकिन जो अदर्स वेरिएबल्स है, अदर्स जो फैक्टर है, ठीक है, अदर्स जो वेरिएबल्स है उसका सुने, और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो डाउट होता है। हालांकि बीपीएससी में इस पर बैठक होने वाली है और उसमें चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या उसकी फिजिबिलिटी है। यह जो डेट अनाउंस किया गया है, यह बहुत हद तक एक पॉपुलरिस्टिक चीज़ों से मोटिवेट होकर के लगता है कि बिना कोई विशेष तैयारी का इनका सेंटर भी अब तक, जो एक इंटरनल बातें हैं, सेंटर भी अब तक इनका तैयार नहीं है, वहाँ से फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्योंकि बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है। अगस्त ऑलमोस्ट लास्ट हो रहा है, लेस देन 1 मंथ है अब। तो बीपीएससी में भी जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, जो सेक्रेटरीज लोग हैं, उनके स्तर पर वो चीज़ें नहीं दिख रही है। बार बार चेयरमैन साहब सोशल मीडिया के सामने आकर के छोटा मोटा चैनल सब इधर उधर कहीं, मतलब आकर के अपनी बातों को रख देते हैं और बिना आधी अधूरी तैयारी की उनका जवाब होता है। तो यह अपने आप में दिख रहा है कि एक कैजुअल अप्रोच ज़्यादा है। जो बदनामी बीपीएससी के माथे पर जो कलंक है, जो दाग है भारत के इतिहास में किसी पीसीएस के ऊपर, जो 8 मई को हुआ था और उससे पहले भी, कि कॉपी बाहर निकलवा करके लिखा गया दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें जो रही है उसमें एक बार फिर से लापरवाही दिख रही है। एक दूसरा मुद्दा शिफ्ट को लेकर के है कि 2 शिफ्ट में होगा, 2 पाली में होगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। यह भी अपने आप में अतार्किक, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक दिख रहा है, अवैधानिक दिख रहा है। अवैधानिक इसलिए कि एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप बीच में कोई नई इसमें चेंजेज नहीं कर सकते हैं जिससे बच्चों का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, और रिजल्ट तो सर्टेनली प्रभावित होगा। इस पर मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियोज में। अभी मैं डेट को लेकर के मैं देख रहा हूं। तो चेयरमैन साहब की अगर तुगलकी फरमान को अगर देखा जाए तो एग्जाम होगा, बार बार वो कह रहे हैं, लग रहा है जैसे वो मूड में हो, पता नहीं किस कारण से मूड में दिख रहे हैं, बिल्कुल ही आते हैं, लेकिन तैयारी आधी अधूरी है, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि छात्र लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और जिन जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अगर वो विरोध करते हैं, मामला पॉलिटिकल इश्यूज लेता है, जो कि ले रहा है, तो फिर मुश्किल होगा। ऑटोनोमस बॉडी कही कहने को है, लेकिन कितना ऑटोनोमस बॉडी है बिल्कुल ही स्पष्ट है। यहाँ पर बिल्कुल ही
पूरी साठगांठ है पूरी। खैर इस पर डिस्कशन करने की बातें नहीं है अभी, ठीक है। तो चूंकि नई गठबंधन की सरकारें आई है और इसमें एक युवा नेतृत्व जो सामने उभर के आया है, तो स्टूडेंट्स की चीज़ों को काफ़ी प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी लेवल पर ऊपर रखते हैं, उनको अपनी छवि भी एक बनानी है, तो चीज़ें दिख रही है। समस्या यह है कि बीच में यूपीएससी का एग्जाम है, एक टेक्निकल चीज़ें ये है, दूसरी टेक्निकल शिफ्ट को लेकर के है। बीच में आप अनाउंस कर रहे हैं प्रोसेस जब कि स्टार्ट हो चुका है, पहले एग्जाम भी हो चुका है, तो री एग्जाम है, तो कैसे कर सकते हैं? जो प्रेशर दिख रहा है अभी, जो टीचर बहाली वाली जो आंदोलन हुआ है और जिसमें एडीएम साहब की एक बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई दिखी है, इससे सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में है। बीपीएससी भी प्रेशर में दिख रही है। 26 तारीख को आंदोलन का मूवमेंट का आप लोगों के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है और उसमें बड़ी संख्या में लोग छात्र ये हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, आपको लड़ाई भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने हक अधिकार के लिए जब चीज़ें एक बार ये लागू हो जाएगी तो फिर आगे के लिए काफ़ी समस्याएं होगी, काफ़ी साइड इफेक्ट होगा। परसेंटाइल मेथड के बारे में और इसका क्या साइड इफेक्ट है, इस पर ऑलरेडी वीडियोज है, आप लोग देखेंगे कि कैसे आपके अगेंस्ट बन जाएगा। खासकर जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो एससी एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर वुमेन्स हो, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग के श्रेणी में हैं, वो लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो वो लोग और भी विशेष रूप से प्रभावित होंगे, उनके साथ और भी इनजस्टिस होगा। जिनकी तैयारी एक एवरेज टाइप के स्टूडेंट से हैं, वो लोग और प्रभावित होंगे। एक तुक्का टाइप की एग्जाम ज्यादा हो जाएगा, एक तुक्का टाइप का, एक लॉटरी सिस्टम में सिक्का उछाला, इसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी और टेल आने की पॉसिबिलिटी, दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर हो सकती है। यानी आपकी तैयारी है, इसके बावजूद भी आप उस तुक्के के आप शिकार हो सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स आप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तो इसमें प्रॉब्लम है। एक बार जब जैसे ई ऑप्शंस को बीपीएससी ने ला दिया तो उसको कंटिन्यू कर लिया, सेम क्यों परसेंटाइल है, वस्तुतः यह दो एग्जाम्स नहीं है, ये दो शिफ्ट नहीं है, ये दो एग्जाम्स है एक तरह से। चाहे आप गैप आप दो साल रखें, दो दिन का आपने रखा है 20 और 22 को, चाहे गैप हुआ दो दिन का हो या फिर दो महीने का हो या दो साल का आप मान लीजिए, एक साल का आप मान लीजिए, यह स्पष्ट रूप से दो ग्रुप बनाना, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी, ये क्या है, ये दो एग्जाम के बराबर है। यहाँ से 50% ले लेंगे, यहाँ से 50% लेंगे, यहाँ 50% कैंडिडेट होगा, तो ये अज्यूम कर लेना कि यहाँ 50% कैंडिडेट होगा, या कैसे कह सकता है, यहाँ कैसे आप 50% रिजर्वेशन वाले को आधा एससी को यहाँ रखेंगे, आधा एसटी को, एससी को यहाँ रखेंगे, आधा जनरल को यहाँ रखेंगे, आधा यहाँ रखेंगे, आधा महिला को यहाँ रखेंगे, मतलब कैसे आप कर लेंगे? जरा आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, आप 150 क्वेश्चन सही ढंग से आप नहीं बना पाते हैं, जबकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन से नकल किया गया होता है, कैसे आप कर लेंगे? थोड़ी सी स्पष्टता होनी चाहिए। दो ग्रुप जब अलग अलग हो गया, आप अलग अलग ग्रुप से अलग अलग कट ऑफ आप बना रहे हैं, तो फिर परसेंटाइल की क्या आवश्यकता है? सिंपल सी बात है, परसेंटाइल की आवश्यकता किस स्थिति में होती है? जब अलग अलग ग्रुप से अलग अलग आप रिजल्ट, आप 50% 4000 यहाँ से, 4000 यहाँ से आप रिजल्ट देंगे, ठीक है, जो कि अपने आप में काफ़ी दोषपूर्ण है, तो फिर परसेंटाइल की क्या आवश्यकता है? तो फिर तो आप जनरल कट ऑफ की बात आप कीजिए ना, जनरल कट ऑफ भी नहीं है, चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी बिना थूमबा की तैयारी का आप लोगों के सामने आप आकर के अनाउंसमेंट करते हैं, ये कितनी आधी अधूरी, कितनी बचकनी बातें हैं। मीडिया में प्रश्न उठाया जाता है तो आप कहते हैं अच्छा 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 ये तो हमें जानकारी नहीं थी, अच्छा हुआ कि आपने संज्ञान में दे दिया, अच्छा ये भी इफेक्ट होगा, तो इस टाइप की बचकने चीजों को आप रख रहे हैं। तो इन सारी चीज जब पॉलिटिकल लेवल पर भी आएगी, स्टूडेंट्स छात्ररत आंदोलन रत हैं अपनी मांगों को लेकर के, जो एक माहौल है, नई सरकारें हैं,
तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होगी। बिना गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी होने के बावजूद भी बिना गवर्नमेंट के सहयोग का एडमिनिस्ट्रेशन का पॉसिबल नहीं है, आपका सेंटर नहीं सही है मतलब तक फिक्स हुआ है, तो एग्जाम में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। यूपीएससी का एग्जाम बीच में है, बीच में ही आपकी क्या जल्दबाजी है कि एग्जाम उसी दो दिन में आपको करवा लेना है। आप कहते हैं कि नहीं यूपीएससी की तैयारी करने वाले की तैयारी वैसे ही अच्छी होती है, वैसे ही हो जाएगा, मतलब इस बात की क्या आप गारंटी दे रहे हैं? वो मेंस के मूड में है, मेंस के मूड में है और एकाएक आकर के पीटी देगा, तो इस बात की क्या गारंटी है? उसका हक तो कहीं ना कहीं मारा जाएगा। आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि मतलब वो बच्चे यहाँ, और वो बच्चे वही बच्चे बिहार के भी हैं अधिकांश, तो मतलब वो भी वहाँ भी देते हैं लोग, यहाँ भी देते हैं, बिहार के ही बच्चे हैं, वहाँ भी सेलेक्ट होते हैं। तो आप एक फैलेसी ऑफ एक जनरलाइजेशन कह लें, एक सामान्यीकरण का दोष यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, और जिस ढंग से छात्र, बहुत बड़ी बात है कि छात्र जागरूक हैं, सोशल मीडिया काफ़ी है, तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बीपीएससी में ही इस पर सहमति नहीं दिख रही है, अंदर से एक व्यक्ति की तानाशाही ज़्यादा दिख रही है, तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आप चाहेंगे कि बिल्कुल ही मैं क्लियर कर दूँ कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, यह तो बीपीएससी भी नहीं कहने की स्थिति में है। और जो चेयरमैन बार बार बोल रहे हैं कि मैं एग्जाम लूंगा, वो भी नहीं कर सकते, वो भी सशंकित हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, और जिस ढंग से सीन बन रहा है, तो बस हाँ और ना की स्थिति है। अब परसेंटेज में बताना मुश्किल है, लेकिन एक उम्मीद है कि एग्जाम होगा, इस पर पूरा शक है। चीज़ों को आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई, अपनी जस्टिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को जारी रखनी है, ठीक है? और आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी भी करनी है, और रिपब्लिका से आपको जो भी हेल्प मिल सकता है, टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स 67वीं के लिए, उसमें ढेरों सारी चीज़ें, जीएस टीएस करेंट है, टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक से सारी चीज़ें डाल दिया गया है। तो रिपब्लिका के ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, और जो क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है उससे आप जुड़ जाएंगे, उसका फ़ायदा आप उठाएंगे। एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज है और कुछ नहीं है, और उम्मीद है कि आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा, पीटी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक 803 सीट के लिए वैकेंसी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट बड़ा है, 88 पोस्ट है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह है एग्जाम 67 में। तो लड़ाई भी और पढ़ाई भी आपको करनी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है? आप इससे रिलेटेड जो परसेंटाइल वाला वीडियो है उसको भी आप देखेंगे, और जो दो शिफ्ट वाला है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं उसको भी आप देखेंगे, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आप रिपब्लिका से जुड़िए और फायदा उठाइए।